स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 है ये, मेंसुरेशन, सिक्स क्लास का मैथ है, एमएल अग्रवाल की बुक है ये। तो चलिए इसका क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन वन में फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें पैरामीटर फाइंड करना है ये जितनी भी फिगर यहाँ पे गिवन है इन सब का। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पैरामीटर होता क्या है। देखो, पैरीमीटर खाली जब पैरीमीटर निकालना होता है हमें किसी भी फिगर का, हमें ये फिगर गिवन है, इसमें ना तो हमें ट्रायंगल बताया, ना हमें स्क्वायर है, ना हमें मतलब और कुछ दे रखा, हमें खाली ये फिगर गिवन है। तो ये जो भी फिगर है ना, इन सब की जितनी भी साइड है, मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, तो सम ऑफ ऑल साइड कैसे निकालेंगे? पैरीमीटर निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये जो फिगर है इन सब का सम करके हम इन फर्स्ट क्वेश्चन में हम आंसर निकालेंगे अपना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट का पार्ट वन करते हैं हम। अब ये फिगर है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हम लिख लेंगे पेरीमीटर, या तो आप चाहे लिख दो ऐसे कि सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर ऑल साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब देखो, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो कितना आंसर आ जाएगा? पहले का 17 सेंटीमीटर हमारा ये पेरीमीटर निकल गया इस फिगर का। अब हम सेकंड करेंगे, सेकंड वाले में भी हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है? 31 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर और प्लस 38 सेंटीमीटर। अब इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 31 38 38 और 48। 8 1 जाए 8 2 जाए 16 8 3 जाए 24 और 25 और कैरी 2। 3 3 2 जाए 6 3 3 जाए 9 3 3 जाए 9 3 4 जाए 12 और 3 5 जाए 15। ठीक है, तो कितना आ गया? 155 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया इस गिवन फिगर का। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है, इसके जो भी कंसेप्ट होंगे ना, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट में पहले लिखो पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या है? 19 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 19 सेंटीमीटर। और देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये सारी साइड इक्वल है, तो सम ऑफ ऑल साइड की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 into साइड, क्योंकि ये आ गई सारी साइड इक्वल। ये एक रेगुलर फिगर है, ये रेगुलर की सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो सारी जिसमें इक्वल होती है। अब देखो, मैं आपको समझाई दूंगी अभी, ये सारे 19 19 है, या आप सबको इनको प्लस करो 19 19 19 19। इतना लंबा करने की बजाय क्या है कि जो एक साइड है, मतलब ये 4 साइड है, यानी 4 into साइड। अब अगर आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी वही आएगा, और इसको प्लस करेंगे जब भी वही आएगा, या फिर आगे 4 लिखो, 4 को 19 से करो, क्योंकि आगे मैंने 4 लिखा है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 19 को 4 से करेंगे 76 होता है, और अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तब भी हमारा 76 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला बना दिया गया, जिसकी भी जो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो जितनी भी साइड होती है, अगर 5 साइड की कोई फिगर है तो 5 into साइड, 6 साइड की कोई फिगर है और सारी इक्वल है तो 6 into साइड, जो रेगुलर फिगर होती है ना उनकी इक्वल ही होती है। तो ये ना लगा के हमने सिर्फ ये लगा दिया और ये आ गया, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया 4 into साइड। करो आप चाहे ऐसे, दोनों में इक्वली आएगा। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, एक साइड है 7, इसमें भी सारी ही इक्वल है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है? पेंटागन है। तो इसमें आप सम ऑफ ऑल साइड ना लिख के आप क्या लिखेंगे? 5 into साइड,
वैसे ठीक तो ये भी है, बट हम इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला बना दिया गया, 5 × साइड। तो 5 × साइड कितनी है, एक साइड है एक 7 सेंटीमीटर। तो 5 7 था 35, तो आंसर कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 करेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ए ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसकी ऑल साइड्स अनइक्वल है, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 साइड्स लिख दो या ऑल साइड लिख दो, 3 है ना, थ्री, सम ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड्स कौन सी हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ओ सॉरी सम है, मैंने इंटू लगा दिया, सम है। तो 6 और 4 10 और 3 13 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। अब सेकंड है ए ट्रायंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। इसमें भी सारी डिफरेंट है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स का सम निकालेंगे तो क्या है, 7 सेंटीमीटर प्लस 5.4 सेंटीमीटर प्लस 10.2 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस करेंगे, देखो ये है 7, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये है 5 और ये डेसिमल लगा लिया, और ये है 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो क्या आ जाएगा, 0 6, 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 और 1 और 1 2, 22.60 सेंटीमीटर हमारा ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट, मतलब इसका पार्ट है ये, ठीक है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 11। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, अभी मैंने ऊपर बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 × साइड। तो 3 साइड और साइड कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो 11 को 3 से करेंगे तो 33 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड सेंटीमीटर 7 है, थर्ड साइड है ना जो वो एस। अब आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस मतलब ये एक ट्रायंगल है और इसकी अगर ये और ये दो साइड इक्वल है और ये मतलब अलग है, तो ये 10 है और ये भी 10 है और ये 7 है, तो इसमें तो फिर क्या लगेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस लिख देना आप, आइसोसेलस क्या, इसमें तो फिर अलग अलग सम ही होगा क्योंकि डिफरेंट हो गई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ही लिख देती हूँ मैं खाली, ट्रायंगल इक्वल सम ऑफ 3 साइड, 3 साइड्स। तो एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी है 7 सेंटीमीटर, 10 10 20 और 2 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल गया, ठीक है।